तो ये लिया है मैंने आधा किलो बथुआ और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। को बहुत अच्छी तरीके से धोना है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके का बथुआ आता है, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? मेरे यहाँ तो इसको बथुआ बोलते हैं। अगर आपके यहाँ किसी और नाम से बुलाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब इसका हम ढक्कन हटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है, यानी उबल चुका है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और जो भी ये एक्स्ट्रा पानी है इसको हम निकाल देंगे, यानी पानी हमें नहीं लेना है बिल्कुल भी। इसको अच्छी तरीके से हम सुखा लेंगे। तो ये ले लिया मैंने जार, जार के अंदर डाल दिया बथुआ। तो बथुए को हमें इस तरीके से पूरा निचोड़ लेना है, यानी ठंडा करके, गरम गरम मत करना, हाथ जल जाएगा। फिर उसके बाद हम डाल देंगे ये दो हरी मिर्ची और इसका ढक्कन लगाकर हम इसको पीस लेंगे, यानी एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसका ढक्कन हटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से पिस चुका है। तो इसी तरीके से हमें इसको बिल्कुल बारीक पीस के तैयार करना है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये लिया है दही, दही मैंने आधा किलो लिया है। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्सर से मिक्स कर लेंगे कि इसके अंदर लम्स ना रहें। तो इसको मैं अच्छी तरीके से चला लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब इसके अंदर जो हमने ये बथुए का पेस्ट बनाकर तैयार करा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें सारा डाल सकते हैं या आप इसको थोड़ा रख भी सकते हैं अगर बाद में आपको बनाना हो तो। तो ये मैं सारा इसके अंदर डालकर मिक्स कर दूंगी। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसको गाढ़ा रख सकते हैं या आप इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं पानी डाल के। तो ये मैं थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रख रही हूँ इसको और थोड़ा सा इसको पतला करूंगी, थोड़ा ही पानी डालूंगी मैं इसके अंदर। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे जो जार के अंदर बचा हुआ था, वेस्ट कुछ भी नहीं करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपको इससे भी पतला चाहिए तो आप और पानी डाल सकते हैं, और गाढ़ा अगर पसंद है तो आप पानी बिल्कुल भी ना डालें, इसको गाढ़ा गाढ़ा बना लें। और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ठंड में तो ये बहुत ही ज़्यादा यानी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बथुए में गर्मी होती है और हम इसको खाएंगे तो थोड़ी गर्मी मिलेगी, यानी ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे व्हाइट वाला नमक, तो ये मैं 1/4 चम्मच ले रही हूँ। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर चाट मसाला आधा छोटी चम्मच और इनको मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे कि ये सारी चीज मिक्स हो जाए। पर आप नमक का ध्यान रखना, और चाट मसाले में भी नमक होता है और हमने दोनों तरीके के नमक डाले, तो आप जितना नमक खाते हैं उस हिसाब से डालना। फिर लेंगे एक हम तड़का पैन, यानी इस तरीके से तड़का पैन लेना है। ये मैंने पहले से ही गरम कर लिया है, ऑयल बिल्कुल जरा सा लिया है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे हींग और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा और इसको अच्छी तरीके से हम क्रैकल होने देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैं लाल मिर्ची इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाल रखी है, तो हरी मिर्ची का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। बस इसको अच्छी तरीके से क्रैकल होने देंगे और फिर हम इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे और इसको कर देंगे हम मिक्स। तो वाओ, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लगता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इसको। और अगर मेरे रायते की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आप इसको रोटी के साथ, परांठे के साथ, पूड़ी के साथ इंजॉय कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।